हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पिंच ऑफ यम विद ऋतु अग्रवाल। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि झटपट तैयार हो जाती है। उससे पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल बटन फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। ये आइसक्रीम फ्रेंड्स फ्यू इन्ग्रीडियंट्स में बनने वाली बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम है। आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। हाफ बाउल हम मलाई लेंगे, एक कप दूध लेंगे, चार चम्मच चीनी लेंगे और एक पैकेट हम पार्ले जी का बिस्किट लेंगे। अब हम इस पैकेट में से पार्ले जी के बिस्किट निकाल लेंगे। इन बिस्किट को ग्राइंड करने के लिए हम मिक्सी का जार लेंगे और उसमें हम ये थोड़ा पीसेस में करके डाल देंगे। इसमें हम पूरे पैकेट के बिस्किट अच्छे से पीस करके डाल देंगे और फिर इसे हम ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, अब हम इसमें ये जो हमने चीनी ली है चार चम्मच, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसका मिक्सचर बना लेंगे। ये देखिए, हमने खूब अच्छे से महीन इसे पीस लिया है। अब हम इसमें मलाई भी डाल देंगे। और ये जो एक कप दूध है वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे। अब हम इसको फिर से चला लेंगे। अब हमारा ये घोल तैयार हो गया है और इसको हमें अब फ्रीज़र में जमाना है। जिस भी बाउल में आप जमाना चाहते हैं उसमें इसे कर लें। अगर आप इसकी कुल्फ़ी बनाना चाहें तो आप कुल्फ़ी स्टैंड में भी लगा सकते हैं इसे। इसे सेट करके अब हम फ्रीज़र में इसे 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे। ये देखिए, हमारी आइसक्रीम बनके तैयार है। बहुत ही कम दूध में और बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बन जाती है ये। समय लॉकडाउन का टाइम है, कई बार नहीं मिलता है दूध और बच्चे आइसक्रीम की डिमांड करते हैं। आप इसे इजीली बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी होती है, ट्राई कीजिएगा। अब हम इसके पीसेस कर लेंगे। ये देखिए, एकदम बहुत ही सॉफ्ट होती है और बहुत टेस्टी होती है। इसके पीसेस करके हम इसे सर्व कर देंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे। मैंने पिस्ता डाला है, आप चाहें तो और भी कुछ काजू या बादाम के पीसेस करके इसमें लगा सकते हैं। ये देखिए, हमारी बहुत ही कम चीज़ों में इतनी टेस्टी आइसक्रीम तैयार है और इसमें दूध भी बहुत ज़्यादा नहीं लगा है, लेकिन आपको खाने में बिल्कुल भी दूध की कमी महसूस नहीं होगी, बहुत ही टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।